नमस्कार, मैं डॉक्टर भूमिका बंसल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी एंड फीटल मेडिसिन एट अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों की। तो सबसे पहले, ओवेरियन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो जाहिर सी बात है फीमेल्स की ओवरी से अराइज करता है। हम इसके बारे में बात इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट लीथल गायनेकोलॉजिकल कैंसर। ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है, हालांकि इट इज मोर कॉमन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। कुछ रिस्क फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एज मोर देन 40 ईयर्स, फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग है, ओबेसिटी, एक्सरसाइज कम करना या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री या फिर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स की हिस्ट्री जैसे कि क्लोमिफीन। जिन महिलाओं के पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं या फिर मेनोपॉज लेट में होता है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर्स। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर। फिर ओवेरियन कैंसर कुछ जेनेटिक कारणों के कारण भी हो सकता है, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, या फिर BRCA1 जिनको हम ब्रैका जीन्स बोलते हैं, BRCA1 या BRCA2 जीन्स का प्रेजेंस होना। कुछ मेडिकल कॉजेस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री भी ओवेरियन कैंसर्स का रिस्क बढ़ा सकती है। फिर देर आर सर्टेन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे कि चाइल्ड बेयरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली मेनोपॉज या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इंटेक, ये प्रोटेक्ट करता है ओवेरियन मैलिग्नेंसीज के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली काफी और कैंसर्स की तरीके से ओवेरियन कैंसर्स के लिए कोई इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। प्रेजेंटेशन अगेन द बैड न्यूज इज कि अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ पेशेंट्स एडवांस्ड डिजीज यानी कि स्टेज 3 या 4 में प्रेजेंट करते हैं। सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं, जैसे अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेट का फूलना, ब्लोटिंग जैसा महसूस होना, बार बार यूरिन लगना, इनडाइजेशन होना, थकान महसूस होना, वेट लॉस होना, भूख कम लगना या फिर डिप्रेशन भी। अक्सर पेट में या नीचे पेल्विस में कोई गांठ या मांस जैसी फील हो सकती है जो कि पेन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। अक्सर महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या फिर पेट में या लंग्स में पानी की तरीके से भी ये कैंसर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके कुछ ब्लड टेस्ट्स कराए जा सकते हैं, जैसे कि कॉमनली ट्यूमर मार्कर्स CA125 एटसेट्रा, और कुछ इमेजिंग मोडालिटीज अल्ट्रासाउंड, CT या MRI करके इन कैंसर्स का पता लगाया जा सकता है। इलाज संभव है अर्ली स्टेजेस में सर्जरी एवं कीमोथेरेपी, और लेट स्टेजेस में पहले कीमोथेरेपी उसके बाद सर्जरी। जैसा कि मैंने बताया, सिम्टम्स बहुत वेग हैं, प्रेजेंटेशन जनरली लेट होता है, तो कुछ भी अगर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत संपर्क करें। थैंक यू, टेक केयर।